तो ये सोमनाथ बाबा महादेव के तीर्थ स्थल पर आज का अंतिम टूर यानी अंतिम पॉइंट जिसे कहते हैं त्रिवेणी संगम किस प्रकार का होता है, तो मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे ये जगह जो त्रिवेणी धाम त्रिवेणी संगम को बता रही है, यानी तीन नदियों का यहाँ संगम है। कौन कौन सी है तो उनके नाम है हिरण, कपिला और सरस्वती नदी। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। चलिए बैक वीडियो आपको दिखाता हूँ इसमें। तो यहाँ कुछ मछलियों के लिए सामग्री बेची जा रही है, जहाँ भी पानी होगा वहाँ अवश्य ही मछलियों के लिए कुछ न कुछ इस प्रकार की चीज़ दी जाएगी। लेकिन आपको सदैव जानकारी है कच्चा आटा उन्हें खिलाना कभी भी ठीक नहीं रहता। ये हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का इस पवित्र नदी में त्रिवेणी संगम, नेशनल ट्रिब्यूनल, त्रिवेणी घाट पर झील में किसी भी तरह की पूजा सामग्री, मटके, प्लास्टिक कपड़े विसर्जित करना दंडनीय अपराध, और अगर कोई भी कुछ गलत कार्य करता गया पाया गया तो निश्चित तौर पर उसे सजा दी जाएगी। ये यहाँ का इस प्रकार से ज़बरदस्त ये संगम। चलिए देखते हैं, अपने पैर अगर पानी में भी आ जाएँ तो समझ लीजिए इस धाम का लाभ हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये त्रिवेणी नदियों का, तीन नदियों का संगम। दोस्तों आप जानते हैं नक्षत्र अनुसार तो कई बार मूल नक्षत्र में 27 नदियों का पानी, 27 हैडपम्प का पानी इस प्रकार से लाने की बात कही जाती है। अब सोचिए त्रिवेणी में तीन एक साथ ही मिल गई तो कितनी खुशी की बात यहाँ अपने को प्रतीत हो जाती है। ये देखिए, वेल्डन वेल्डन, क्या बात है मौसा जी, नारे मतलब पीछा हो रहा है पीछा, कभी आप हमारे कब हम ये आपके, क्या बात है। हाँ हम ही पीछे हैं मतलब, ये मान लीजिए। वाह यार, हम तो कपड़े ही नहीं लाए, कैसे नहाएंगे। ये तो फायदा ले लिया इन्होंने इस बात का, ज्यादा गहरा नहीं देगा, बस ये लास्ट है ना। चलिए बहुत खुशी की बात है, ये त्रिवेणी धाम संग। ये कहाँ तक लेके जाते हैं बोट? ये तैरने का आनंद अलग ही है यार, कपड़े लाते हुए चले जाते हैं। तो चड्डी वड्डी का क्या करेंगे, महंगे थोड़ी रह सकते हैं, नहीं तो नाले में बस वो रखा हुआ भी है, लेकिन वहीं रह गए सब, बोला नहीं कोई इस प्रकार से। चलो कोई बात नहीं, ये कहाँ ले जा रहे, वही पूछ रहा हूँ। पूरा कितना दूर है, क्या चार्ज ले रहा है ये? लो चलो इसमें चल, हाँ ये आया, लो चलो दूसरी बार आओ, चल रही है उसमें चलते हैं। हाँ 30 रुपये में बोटिंग है, बहुत अच्छी बात है, चल के आना चाहिए। सही बात है, इस बार एक शाम की ठंडक हवा जो है उसका आनंद आ जाएगा। वहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा थी ना, अभी है शाम का समय, इसका मजा आएगा। बहुत ज्यादा भर लिया, सीट टू सीट चल रही है। तो ये इस प्रकार से तो चलिए अब करते हैं नाव की सवारी। या अन्न का इस प्रकार से बिखेरना ये बहुत ही गलत है, लेकिन क्या करें, लोगों की धर्म का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ है, पैरों में आता है, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ये बात। चलिए इसके बाद में नाव का सफ़र किया जाएगा, ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद एक बार और मैं बताऊं आपको इस प्रकार से ये दृश्य होता हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में होगी नाव की सवारी जो हमें ले जाएगी अंदर तक, बोटिंग का मज़ा। ओके मिलेंगे, तो इसी के साथ त्रिवेणी संगम धाम की सदा ही जय। जय जरूर लिखिए।